Hey guys, मुझे I know I took the challenge of making 300 videos 300 days regularly by seeing chat tag, but recently I got an incident with my knee. I cannot walk without a support, and also I am a board student, so it's not possible for me to make videos regularly. एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे पैर में पिछले साल अप्रैल से एक प्रॉब्लम थी कि स्प्रेन हो गया था अचानक से. तो ये पहली बार नहीं, तीसरी चौथी बार हो रहा है, बट इस बार जो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया. एक्चुअली इस साल की शुरुआत में थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया था, क्योंकि आई थॉट कि माई नी गॉट हील्ड एंड इट इज़ जस्ट स्टिफ्ड बिकॉज आई डिडंट मूव इट. सो ठीक हो गया था, मैं दौड़ना फिरना चालू कर दिया था एंड वापस मैं सॉकर खेलने लग गया था अपना, मस्त बैडमिंटन वगैरह. लेकिन कुछ दिन पहले ही मैं जंप करना वापस शुरू कर दिया, क्योंकि बिकॉज आई लव पार्कोरिंग वेरी मच एंड मुझे पता नहीं था कि इसमें ट्रेनिंग इतनी चाहिए होती कि कैसे लैंडिंग करते ये वो. तो मैं एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर कूदा एंड पूरा जो मेरा राइट पैर वो इंजर्ड हो गया पूरी तरह से. उसका जो चक्री होता है आगे वाला वो ऊपर घसक गया एंड जो जितना अंदर वाला जो हड्डी होता है वो साइड में घुस गया था. फिर उस दिन रात में तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह में किसी को बुला के बैठा लिया उसको सही पोजीशन पे. अभी भी नॉर्मल दर्द है, बट उतना नहीं है जितना क्या नर्व्स जो इधर उधर हो गई थी अभी सही जगह पर, इसलिए दर्द कम होता है. लेकिन बिना सपोर्ट के मैं चल नहीं सकता. एक दो महीने मेरे को ऐसे ही चलना होगा तो तब तक नॉर्मल हो जाएगा, बट एक साल तक मेरे को कोई जंपिंग वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा और मैं ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटी भी नहीं कर सकता. अच्छा नहीं है, बट फिर भी आई विल अपलोड वीडियोस. चैलेंज लिया तो करेंगे भी, पहले बोर्ड्स हो जाए अच्छे से. मैं इस वीडियो में डालूँगा क्या, सॉरी इस चैनल पर क्या पोस्ट करने वाला हूँ. सो ये पहली बार नहीं है कि मैं यूट्यूब खोला हूँ, पहले भी खोला था, बस उस पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं ना, वो थी. कभी चेक ही नहीं किया कि ये कैसे ये करेंगे तो ग्रो होगा कि नहीं होगा. लगता था कि ये डालूंगा वो डालूंगा तो बहुत ही रीच मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया. तो अब ट्राई करते हैं. ऐसे मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ पहले से हैं, तो मैं पहले ओल्ड वीडियोज़ अपलोड करूँगा जो मैंने पहले बनाए हैं, और उसमें ईयर भी डाल दूँगा कि कौन सी ईयर का है. और हम ऐसे ही नई नई चीज़ें अपलोड करते रहेंगे रिलेटेड टू म्यूज़िक, आर्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड हाँ, मैं अपना फेस रिवील नहीं करूँगा. फेस रिवील मैं करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आई गैस.